हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। अच्छी अच्छी कार्टून कहानियाँ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई कहानी की वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको कहानी समझ में आएगी। एक समय की बात है, एक गाँव था। उस गाँव के पास एक पेड़ लगा हुआ था। मौसम खराब होने की वजह से उस गांव में तूफान आ जाता है। उस तूफान की वजह से उस पेड़ के दो बीज तूफान में उड़ने लगते हैं। उस तूफान में उड़ते हुए दोनों बीज बहुत ही दूर पहुंच जाते हैं। फिर आगे पहुंचने के बाद एक बीज दूसरे बीज से कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा, मैं यहीं गिर जाऊंगा। तो थोड़ी देर में दूसरा बीज बोलता है, अरे भाई, तुम यहाँ गिर गए तो तुम इस घरों के बीच में बड़े भी नहीं हो पाओगे और सूरज की लाइट भी तुम तक नहीं पहुँच पाएगी और तुम अपना खाना भी नहीं बना पाओगे और तुम चाहते हो जितनी ऊंचाई भी हासिल नहीं कर पाओगे, तुम छोटे के छोटे ही बनकर रह जाओगे। और दूसरा बीज तूफान से सामना करते हुए एक खुले मैदान में जा गिरता है। उस गांव का वातावरण भी शुद्ध था और वहां सूरज की रोशनी भी भरपूर मात्रा में आती थी और वह बीज वहां गिरकर जल्दी जल्दी उगने लगता है और बड़ा होने लगता है। लेकिन वह पहले वाला बीज जहाँ गिरा था उसकी ऊँचाई नहीं बढ़ती है और वह छोटा ही रह जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें लंबा सफ़र तय करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। इस कहानी में दिखाए गए छोटे बीज की तरह हार मानने से आप छोटे के छोटे बनकर रह जाएंगे, इसलिए आपको बड़े बीज की तरह लंबा सफ़र तय करके अपनी ऊंचाइयों में महारत हासिल करनी है। थैंक यू।